समालखा नगर पालिका में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आरटीआई कार्यकर्ता पीपी कपूर 11 अक्टूबर को करेंगे प्रदर्शन। आरटीआई कार्यकर्ता ने समालखा नगर पालिका में प्रॉपर्टी आईडी बनवाने और एनडीसी लेने के कार्य में खुला भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाकर कहा कि समालखा नगर पालिका में काम कराने आ रहे लोगों से सरेआम भ्रष्टाचार किया जा रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि नगर पालिका में जनता की समस्याएं सुनने वाला भी कोई नहीं है। उन्होंने हल्का विधायक पर भी सवाल उठाते कहा कि विधायक लापता हैं और जनता परेशान है। उन्होंने नगर पालिका सचिव के माध्यम से शहरी निकाय मंत्री अनिल विज, डिप्टी कमिश्नर पानीपत और डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कमिश्नर को ज्ञापन भेजा है और मांग की है कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो 11 अक्टूबर को वह समालखा नगर पालिका पर प्रदर्शन करेंगे। ये मजदूर संगठन इफ्टू इंडियन फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन की तरफ के झंडे के तहत ये किया जाएगा कार्यक्रम नगर पालिका कार्यालय के बाहर। भ्रष्टाचार कब से शुरू है सर? यहाँ ये भ्रष्टाचार काफी लंबे समय से है, लेकिन जब से ये प्रॉपर्टी आईडी बनवाने का चक्कर चला है और जो न्यूड्यूज का सर्टिफिकेट लेने का कंपलसरी किया है नक्शों के साथ और तहसील में रजिस्ट्री के टाइम में, ये तब से यहाँ पर जो है बहुत भयंकर भ्रष्टाचार चल रहा है नगर पालिका में। इसको लेकर आवाज उठाई अपने? इसको लेकर आवाज उठाई जाएगी, उठाई है हमने। और जो नगर पालिका की जो अवैध कॉलोनी है उनको पास कराने का केस भेजा जाए और नगर पालिका की सीमा को जो विस्तार की सीएम की अनाउंसमेंट है 3 साल से, वो भी जो है डस्टबिन के अंदर कूड़ेदान के अंदर शोभा बढ़ा रही है। हमारी ये भी मांग है कि सीमा विस्तार किया जाए नगर पालिका सीमा का। नगर पालिका ने सीमा विस्तार का केस सरकार को नहीं भेजा और ना ही यहाँ की अवैध कॉलोनियों को पास करने का कोई रेजोल्यूशन, कोई लिस्ट जो है भेजी है। इसके अलावा यहाँ नगर पालिका के अंदर ना तो बिल्डिंग इंस्पेक्टर है, ना यहाँ म्युनिसिपल इंजीनियर है, ना यहाँ पर जूनियर इंजीनियर है, ना यहाँ पर कोई क्लर्क है। सिर्फ जो 4th क्लास के कर्मचारी हैं उनके हवाले यहाँ नगर पालिका का भट्ठा बैठा हुआ है। यहाँ ना पर जब से यहाँ डीएमसी बने हैं डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कमिश्नर मिस्टर आर के सिंह, ना तो कभी उनके दर्शन हुए हैं यहाँ पर नगर पालिका में, ना जो एसडीएम जो एडमिनिस्ट्रेटर है ना कभी उनके दर्शन हुए हैं, और जो यहाँ के जो एमएलए हैं और वो भी पता नहीं लापतागंज में रहते हैं कहाँ रहते हैं, वो भी उनका भी कोई ध्यान नहीं है, ना ही कोई एमपी का यहाँ का कोई इस तरफ कोई ध्यान है। तो शहर का पूरा बेड़ा गर्क हो चुका है और हमारी ने ये मांग करी है, चेतावनी दी है कि अगर 10 दिन के अंदर ये मांगे पूरी नहीं हुई या नगर पालिका में सिस्टम का सुधार नहीं किया गया तो हम लोग 11 अक्टूबर से यहाँ पर धरना लगाएंगे, प्रदर्शन करेंगे, पुतला दहन करेंगे। और इससे पहले हम लोगों ने पूरे गांव, पूरे जो है सभी वार्डों के अंदर घूमकर प्रचार करेंगे, जनता को लामबंद करेंगे। समालखा से सिटी तहलका के लिए रतन लाल की रिपोर्ट।